हमें अच्छा लगता है। सर ये पूछेंगे सवाल, उसके बाद मुझे आधा सवाल पता होगा कि मेरी बेइज्जती हो जाए। यार ये बड़े मुश्किल सवाल है मुझे, मेरे बार तो इलेक्शनों के मत मुझे फिल्मों का पूछो या आगे ये वाले सवाल। मैंने एक बात बोलनी है कि मैंने आज तक कभी वोट नहीं किया और इस बार मैं वोट करने वाली हूँ कि मैं चाहती हूँ कि अच्छी सरकार बने, अच्छे मीडिया वाले आए। और बीच क्या हुआ, आप उदास क्यों? अच्छा मेरे चक्कर में काजोल निकल गई इसीलिए ना, मुझे पता। जल्दी बोल। अरे वो एक कहाँ गई मेरी बहन, इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा था किधर, वो अपने टाइम देख रहे हैं। क्या पूछा था आपने? बिल्कुल, औरतें अगर अच्छा घर चला सकती हैं तो अच्छा घर भी मतलब देश भी चला सकती हैं। और अच्छी गाड़ी नहीं चला सकती क्योंकि मैं खुद जब गाड़ी में जा रही होती, मैं ड्राइवर चला रहा था तो आगे कितनी सारी औरतें होती जो एकदम से ब्रेक लगा देती हैं। मुझे बहुत डर लगता है कि मेरी इतनी महंगी गाड़ी रुक ना जाए। मैं चाहती हूँ कि यंग लोगों को बहुत मौका मिलना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, क्योंकि मुझे लगता है कि नई सोच ही हमें आगे बढ़ा सकती है। और जितने भी इलेक्शन में लोग खड़े होते हैं सारे बुजुर्ग सीनियर सिटीजन, तो कहानी सुनाएंगे कि एक बार कहीं वैसा दिखाए मौका मिलना चाहिए। आपको अवसर मिला तो आप इलेक्शन लड़ेंगे? कैसे लड़ेंगे? नहीं, मैं लड़ाई लड़ सकती हूँ, इलेक्शन नहीं लड़ सकती क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकती, वादे झूठे नहीं कर सकती। और वैसे मेरे को बहुत शौक है कि मैं व्हाइट कलर की साड़ी पहनूं, उसे जुड़ा करूं और मैं बड़े बड़े मतलब लाइक के जैसे कैटरीना कैफ थी ना राजनीति में, थोड़ा वैसे बनूं। लेकिन वैसा फिगर नहीं तो नहीं बन सकते, इसलिए सोचना ही नहीं, जो काम नहीं आता वो नहीं करना चाहिए। अभी मुझे ट्रक चलाना नहीं आता तो मैं ट्रक नहीं पकड़ सकती। एक मिनट। हाँ जी, किसने? मेरी मम्मी ने भी, मेरी मम्मी ने बहुत इंस्पायर किया है। उन्होंने 3 मोटे मोटे बच्चे पाले हैं बिना हस्बैंड के, तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर।